सभी को नमस्कार। अगर मैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज़ की मैं बात करूं और उसके अंदर मिलने वाली डिफरेंट टाइप की डील्स की बात करूं, तो हर सेगमेंट में काफ़ी शानदार डील्स हमको देखने को मिली। मैं खुद एक कॉमिक लवर हूं या फिर ग्राफिक नॉवल्स मुझे पसंद आते हैं, तो अगर मैं अमर चित्रकथा की बात करूं पर्टिकुलरली, तो उसकी अगर मैं डील्स की बात करूं, तो जो बेस्ट डील मुझे लगी, मतलब हो सकता है कि मैंने कुछ मिस भी कर दी हो, उन डील्स में से जो सबसे मतलब खास डील है वो ये हैं। एक तो वाल्मीकि रामायण, जिसका मैंने कल ही अनबॉक्सिंग किया था। ये 2500 का एक पूरा बॉक्स सेट था, जो शायद 576 में लिस्टेड था, तो वो अलग अलग कस्टमर को उसके अलग अलग प्राइस पे करने पड़े। कुछ को 580, कुछ को 550, कुछ 500 में ले पाए, वो क्या बोल सकते हैं, सुपर कॉइन्स वगैरह सब मिला करके। सेकेंड जो मुझे बेस्ट डील लगी वो लगी अंकल पेज फेवरेट 50। इसमें 50 अमर चित्रकथा है, जिसका एक का प्राइस है 90 रुपये 90 रुपीज़, और वो हमें जो है 1000 के करीब कुछ प्राइस था, मतलब एक शायद 20 रुपीज़ में पड़ी। इस तरीके से अगर आप डील की बात करें तो रफली ये भी एक बहुत शानदार डील निकल के आई सामने, इसको शायद रख देते हैं। उसके अलावा तीसरी जो डील थी वो थी ये 4 सेट ऑफ 333-in-1, यानी कि एक ये 3-in-1 अमर चित्रकथा का एक जो बुक दिख रही है उसमें 3 अमर चित्रकथा हैं, यानी कि 96 पेजेस होंगे एक में, और वैसे 3-3 के सेट थे। जैसे 333-in-1 पैक देखिए, जातक कथाओं का पैक है ये, कुछ और अकबर बीरबल का पैक है ये, कुछ जंगल के जानवरों का पैक है, और ये श्री कृष्णा की कुछ स्टोरीज है उनका। 333-in-1 का मतलब हुआ इस 3 बुक में 9 अमर चित्रकथा है। थोड़ा सा अलग इनका साइज़ था, प्रीमियम क्वालिटी है, मैट फिनिश के पेपर हैं, ऊपर लेमिनेटेड कवर है, थोड़ा सा अलग एक फॉर्मेट देखने को मिला। तो ये पूरा सेट भी बहुत अच्छी कीमत में मिला। और बिग बिलियन डेज़ में ये देखने को मिला कि अमर चित्रकथा जो वाल्मीकि रामायण है उसका प्राइस कुछ समय के लिए रहा, फिर वो हट गया। अब शायद इसका प्राइस 1600 या 1800 रुपये होगा। वैसे ही ये शायद आउट ऑफ स्टॉक है, उसका प्राइस भी रिवाइज हो चुका है। ये भी शायद अंडर 500 आ गया था शायद, मुझे देखना पड़ेगा जो है। तो एक बेस्ट डील में से लगा तो वाल्मीकि रामायण, और ये तो संभव नहीं है मिलना ये दोनों डील मेरे हिसाब से। अब उसमें से जो अंकल पेज जो मैंने आपको पहले दिखाया फेवरेट 50 हैं, उसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि जब वो डील चल रही थी और जब वो पार्सल मुझे डिलीवर हुआ, तो वो पार्सल मुझे 30 सितंबर को शायद डिलीवर हुआ था, मतलब वो उस दिन डिलीवर हुआ था जब तक डील लाइव थी, मतलब लोग डील को ले सकते थे। और उसी वीडियो में मैंने, इसलिए मेरे जो मैंने वीडियो बनाया था वो थोड़ा डिस्टर्बिंग भी था, उसमें मैं छोटे बच्ची थी वो वीडियो में थी, और ज़रूरी इसलिए था कि वो शायद इवनिंग हो गई थी और मुझे पता था कि डील कुछ टाइम के लिए लाइव रहने वाली है, तो मैंने इमीडिएटली उसका वीडियो बनाया था कि जब कोई वीडियो देखे और जो डील लाइव हो तो उन लोगों को उस डील का फ़ायदा मिल जाए। और मैंने वीडियो में अनाउंस भी किया था कि अगर मुझे वीडियो बनाने के बाद भी अगर ये डील मिली तो मैं फिर से लूँगा। तो आप देख सकते होंगे सेम वही पैकेट है, तो ये वीडियो आई थिंक आपने देख ही रखा होगा। बस मैं इसमें अपना प्रोडक्ट का एक चेक करने के लिए करूँगा, प्लस एक थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो अगर होना हो सकेगा तो ट्राई करूँगा, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। देख लेते कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो पहले आ चुके हैं, सेम सब रिपीट ही होंगे। तो एक इस तरीके की पैकेजिंग है, फ्लिपकार्ट में काफ़ी अच्छे बॉक्सेस मिले हैं, बस उसमें बबल रैप वगैरह नहीं मिला है, पर ये प्रोडक्ट अपने आप में काफ़ी अच्छे से पैक है। तो इस कार्टून को हटा देते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी कार्टून मिले हैं, इनके साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, परफेक्ट है। तो आपको जो है उसमें आप अपनी नोवल्टी आइटम वगैरह रख सकते हैं। बॉक्स अच्छी कंडीशन में मिला है, और इसमें जो है पुराने वाले बॉक्सेज भी कंपेयर कर लेते हैं, इसको लगभग सेम एक जैसी क्वालिटी मिल रही है। ये अब नया बॉक्स है, वो पहले वाला बॉक्स है, तो अगर हम ऊपर से कंपेयर करें इनको, ये देखिए दोनों बॉक्सेज यहाँ रखे हैं, पहले वाला और ये नया वाला, तो ये लगभग ऊपर से देखिए उठा हुआ सा है थोड़ा सा, तो वैसा ही दिख रहा है, बस यहाँ पे टेप थी तो मैंने कट कर दी थी। ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर ये कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, स्पोर्ट्स है इसमें नहीं, यानी कि थोड़ा बेटर है नया वाला, कट करके देखते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी स्टॉक में होंगे इस वजह से ऐसा हुआ, और ये काफ़ी सारे बॉक्स सेट में डील थी और एकदम से समझ नहीं आती जब बहुत सारे डील्स का बम्बार्डमेंट होता है, तो समझने में मुझे टाइम लगा कि इसमें टोटल जो है 50 कॉमिक्स हैं। और बहुत अच्छी इसमें ना ये वाइट ऐसे स्पॉट्स हैं, वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, मे बी ये कोई फंगल ग्रोथ हो गई हो बड़े बड़े स्टॉक में, हो सकता है क्योंकि बरसात का सीज़न वगैरह होता है ना, तो हो सकता है फंगल ग्रोथ हो गई हो। हालांकि काफ़ी अच्छा मोटा गत्ते का कवर है ये, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज था। जो 333-in-1 मैंने आपको दिखाए थे उसमें बहुत मतलब काफ़ी बुरा सा कवर था, उसे तो मैंने फेंक दिया, मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर ओवर टाइम में ये न सिर्फ इन किताबों को ख़राब करे बल्कि अदर जो बुक्स हैं उनको भी ख़राब करे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि पैकेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है वो भी, और इसमें रखना इजी रहता है, 50 इसमें रख दी तो एक आपको पता रहता है कि ये जो है इस टाइप की इसमें कॉमिक बुक्स हैं। आप भी मुझे कमेंट में बताइए क्या करना चाहिए, इन बॉक्सेज को रखूँ कि ना रखूँ, समझ नहीं आता फेंकूँ कि ना फेंकूँ, क्योंकि अभी तक तो इसमें जैसे प्रोडक्ट था वो परफेक्ट कंडीशन में था, इसको अलग से रखा जाए। खैर,
तो ये सारी की सारी मैं दिखा चुका हूँ। 50 अलग अलग तरीके की जेनर की इसमें कॉमिक बुक्स है, या मैं बोलूँगा अम्बा चित्रकथा है। 32 पेजेस हैं और बिग साइज़ में है, जैसा नॉर्मल साइज़ आता है अम्बा चित्रकथा का। तो ये ऐसा बॉक्स आपको मिल जाता है देखने को, और इसमें प्राइस मैंशनड है 4450, और ये बहुत अच्छी प्राइस, मतलब 1000 के आसपास की प्राइस में था डील में। और मैंने वीडियो में बोला था कि अगर टाइमली रहा तो मैं फिर से इसको लेना चाहूँगा। तो सारी की सारी मैं पहले दिखा चुका हूँ, फिर भी इसमें प्रोडक्ट चेक करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ गिर गई हैं बुक्स, इनको मैं एक बार ले लेता हूँ, तो फिर देख लूँगा अगर कोई चेंज भी मिलेगा तो। करांगी यहाँ पे ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है, तो देख सकते हैं 90 रुपीज़ प्रिंटेड है, ना तो ओल्ड स्टॉक है और ना ही जो है डिफेक्टेड स्टॉक है, बिल्कुल परफेक्ट स्टॉक है। जलियांवाला बाग गणेश, तो आप पहले वाला वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि 50 कॉमिक्स कौन कौन सी है। और वीडियो बनाने का आइडिया वहीं से आया था, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि टाइटल, मैंने कई बार सर्च भी करे कि कौन कौन से टाइटल्स हैं। तो एक अगर परफेक्ट वीडियो होगा तो आपको प्रोडक्ट चूज़ करने में आसानी होगी, हो सकता है ऐसी डील्स फिर भी आएँ। चाणक्य गंगा और प्रताप मुंडिक जी के चित्रांकन भी आपको काफ़ी इनमें, 9 ऐसी अमर चित्रकथा होगी 9 जिनमें आपको प्रताप मुंडिक जी का चित्रांकन मिलेगा, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मीरा भाई, उसका टाइटल मैंने ये रखा था कि अनंत पेज जो फेवरेट 50 हैं उसमें से प्रताप मुंडिक जी वाला चित्रांकन, जैसे कि शिवाजी शायद उसमें इंक्लूडेड था। ये देख लीजिए प्रताप मुंडिक जी का चित्रांकन है शिवाजी में। तो प्रताप मुंडिक जी जो एक बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे, और 2007 में शायद वो हमें छोड़ के चले गए थे, 2007 तक थे वो, राज कॉमिक्स में भी काफ़ी काम किया उन्होंने। तो प्रताप मुंडिक जी का चित्रांकन देखने को मिलेगा आपको, द गीता में देखने को मिलेगा। ये शायद थर्ड कॉपी है मेरे पास द गीता की, अलग से भी परचेज कर रखी है। और अंकल पेज फेवरेट 50 के जो डबल आ गए कॉपीज, तो डबल हो गई हैं। प्रताप मुंडिक जी का चित्रांकन है इसमें, और रिकलर किया गया, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग टाइप का है, काफ़ी अलग तरीके का फॉर्मेट है इसका। तो ये पूरा एक पैकेट तो पूरा गिफ्ट में जाएगा, और एक मेरा जो संग्रह में रहेगा मही रावण। भगत सिंह, तो इसमें इस तरीके की मिलेंगी, एक तो ऐतिहासिक मिलेंगे भगत सिंह जो सुभाष चंद्र बोस टाइप की, दूसरे और थोड़ा पीछे के इतिहास की मिलेंगे राणा प्रताप, ये प्रताप मुंडिक जी का चित्रांकन है, क्योंकि मैं वीडियो बना चुका तो मुझे याद हो गया कौन कौन से था। थोड़ा और बैक स्टोरी का मिलेगा, और कुछ इस तरीके की मिलेंगी, ह्यूमर वाली टेल्स मिलेंगी, द माउस एंड द मर्चेंट। ये देखिए इसमें, ये देखिए थोड़ा सा ह्यूमर टाइप की टेल्स मिलेंगी। सभी में 32 पेज है, और साइज़ इनका काफ़ी बिग है, वो जो 3111 में आपको बता था उससे साइज़ में डिफरेंस मिलेगा आपको। क्वालिटी दोनों की बिल्कुल अलग है, कम्प्लीटली अलग है। और ये एक्चुअली ओरिजिनल साइज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बीरबल द वाइस, सारा का सारा पहले कर चुका हूँ, तो ये वीडियो बिल्कुल नया नहीं होगा, एक तरीके से रिपीट वीडियो हो जाएगा। बट ठीक है, बॉक्स था, अभी फेस्टिवेशन चल रहा था, मैंने कर लेता अनबॉक्सिंग। अकबर, आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार की इसमें बुक्स निकलती है। वसंत सेना, बिल्कुल फ्रेश बुक्स है, एकदम न्यू है, कॉर्नर बिल्कुल शार्प है, बस ये है कि ये लेमिनेटेड नहीं है। सावित्री पर एक आपको ग्लोस देखने को मिलेगा, एक चमक तो है। सावित्री, राम वरीकर जी का चित्रांकन है, उनका भी चित्रांकन काफ़ी में बुद्ध है। सभी के सभी 90 रुपीज़ मेंशन है, सभी के सभी बिल्कुल फ्रेश कॉपीज़ है, और बहुत अच्छी डील मिली इसमें, बहुत अच्छी डील। उडियाना सेकेंड बॉक्स है पूरा मेरा, एक इसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा कैसे इसको यूज़ करना है। रानी दुर्गावती, बच्चों के लिए परफेक्ट गिफ्ट रहेगा आई थिंक, ये जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं, कॉलोनी के बच्चे होते हैं, तो मैं प्लान करूँगा इसके बारे में कुछ बाद में, फिर बताऊँगा भी आपको। द जायंट एंड द ड्वार्फ, ये ह्यूमर टाइप का टेल है, थोड़ा सा आपको जातक कथा उस टाइप का है, देखिए बहुत अच्छा है। द ब्राह्मण एंड द गोट, अगेन ये पंचतंत्र में से स्टोरीज है। सुदामा, ये सुंदर, बहुत इस चित्र बड़ा सुंदर लग रहा है सुदामा। तो अमर चित्रकथा की सबसे बड़ी खासियत उनके कवर आर्ट्स हैं, और पहले के टाइम पे जो 3-in-1, 5-in-1 इस तरीके के जो आते थे इनके स्पेशल इश्यूज डाइजेस्ट वगैरह, उनमें कवर शामिल नहीं करते थे। अब तो मैंने देखा काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया, कवर शामिल होने शुरू हो गए, तो कवर इनकी एक जान होती है, तो इंडिविजुअल इश्यू बड़े अच्छे लगते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं होल्ड करने में, रीड करने में, कम्फर्टेबल साइज है इनका। कुंभकर्ण कृष्णा, बहुत शानदार कवर, बहुत अच्छा, ये सेम कवर इसमें भी यूज़ किया गया है इस एक चित्रकथा में, कृष्णा बहुत शानदार कवर है। तो ये कई फॉर्मेट में हो गई मेरे, इसमें पेपर बैक में भी हो गई है, हार्ड बाउंड में भी है मेरे पास में, इसमें भी रीकलरिंग की गई है। कृष्णा में आपको रीकलरिंग मिलेगी, और इसमें जो कृष्णा है ये जो 3-in-1 वाला है उसमें फ्लैट कलरिंग है, तो आपको अलग अलग तरीके के फॉर्मेट मिलेंगे देखने को। ये देखना पड़ेगा इसका जो हार्ड बाउंड एडिशन है उसमें कलरिंग कैसी है, वो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अभिमन्यु, और इसमें शायद मैं बता देता हूँ,
रामवीर का जी का चित्रांकन है, सॉरी हनुमान रामवीर करजी का चित्रांकन अच्छा है, मतलब कपड़ा जोरदार है। आप देख सकते हैं राम शास्त्री सन्स ऑफ रामा, इसमें प्रताप मलिक जी का चित्रांकन। तो इसमें से शायद नाइन, जहाँ तक मुझे पता है नाइन ऐसी नौ ऐसी चित्रकथाएँ हैं जिसमें प्रताप जी का चित्रांकन है। तुलसीदास बहुत बढ़िया कवर आर्ट, अंदर का आर्ट भी शानदार है, फ्लैट कलरिंग है बहुत बढ़िया है। वी वी बी खलप ऐसा नाम है कवर आर्टिस्ट का। वीर सावरकर रामवीर का चित्रांकन है। सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे, मतलब अलग तरह के जेनर को इन्होंने टेस्ट किया, एक ग्लोसी है बस ये है कि लेमिनेटेड नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कृष्णा एंड रुक्मणी, देखिए ये कवर आर्ट यहाँ यूज़ किया गया है, इस 3-in-1 का जो कवर लिया गया ना, इसमें तीन थ्री टेल्स को यूज़ किया गया है, कृष्णा एंड रुक्मणी, कृष्णा जो मैंने आपको दिखाया था एंड सैमंतक जैन। तो देखिए इस कवर को इस तरीके से यूज़ किया, तो अलग तरीके का फॉर्मेट है बिल्कुल। इसमें प्रताप मलिक जी का चित्रांकन है और इसमें भी रीकलरिंग देखने को मिलती है, अच्छी बात। और इसमें शायद वो आपको मैं निकाल देता हूँ इसको, एक और वापस कर लेंगे। इसमें ये सब कुछ फ्लैट कलरिंग में देखने को मिलेगा, तो कृष्णा एंड रुक्मणी भी आपको इसमें फ्लैट कलरिंग में देखने को मिलेगा, और जो वो जो शानदार कवर वाला कृष्णा था ये देखिए वो भी आपको फ्लैट कलरिंग में देखने को मिलेगा। और अंकल पेज जो फेवरेट 50 हैं उसमें आपको ये रीकलर में देखने को मिलेगा, ये एक डिफरेंस आएगा। हार्ड बाउंड का मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ, अभी वीडियो पॉज करके ले आता हूँ उसको मैं, तो ये वीडियो में थोड़ा एडिशन हो जाएगा शकुंतला, तो इनको मैं अलग कर लेता हूँ, कृष्णा रुक्मणी को अलग कर लेता हूँ और वो कृष्णा वाला जो था उसको अलग कर लेता हूँ। तो थोड़ा क्या वीडियो भी रिपीट में थोड़ा सा आपको मज़ा मिल जाएगा, वो वाला कि भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है हमारे चित्रकथा के, 2-in-1 भी होते हैं, हार्ड बाउंड सारे ही होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। इनको अलग कर लेते हैं, रामा प्रताप मलिक जी का चित्रांकन, इसमें भी बहुत शानदार चित्रांकन है, लेजेंड आर्टिस्ट है प्रताप मलिक जी। नल एंड दमयंती बहुत मेरी फेवरेट स्टोरी है, मेरे पापा पिताजी हैं वो, उनको पुरानी किताबों का शौक था, नल दमयंती की स्टोरी मैंने उसमें से पढ़ी थी, बहुत शानदार स्टोरी नल दमयंती। अगेन टेल्स ऑफ ह्यूमर है इसमें, एडवेंचर्स ऑफ बड्डू एंड छोटू, देखें क्या एडवेंचर्स हैं उनके। अगेन ये हितोपदेश में से स्टोरीज हैं, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, और भी स्टोरीज होंगी, छोटी छोटी स्टोरीज होंगी इसके अंदर। स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर, इनके कवर आर्ट बड़े अच्छे लगते हैं देखिए, इसलिए जो ये डील में मिली ना, मान लो 20 ईच पड़ी आपको पूरी 50 में, अगर डील में देखें तो उस हिसाब से ये कवर आर्ट वगैरह होती हैं, खाली कवर आर्ट भी होता तो चल जाता। रामकृष्ण परमहंस जी शायद ये शायद क्या मतलब ये इनके विवेकानंद जी के गुरु हैं, देखिए अच्छा है कॉम्बो है अच्छा। रविंद्रनाथ टैगोर फ्लैट कलरिंग के साथ में, टेल्स ऑफ हनुमान है क्या, हनुमान टू द रेस्क्यू, रामवीर कर जी का चित्रांकन है, पहचान में आना शुरू हो गया वो भी। अंगुली माल इसमें प्रताप मलिक जी का चित्रांकन, प्रताप मलिक जी का तो क्या कहना, बहुत बढ़िया अंगुली माल। अशोक तो इसमें ना कुछ गड़बड़ नहीं देखने को मिल रही जैसे बाकी जो कई पब्लिकेशन वगैरह देखने मिलती है, मुझे लगता है कि चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी, शायद वही के वही सारी होंगी, झांसी की रानी, रानी ऑफ झांसी बहुत अच्छा। और इनका चित्रांकन भी एक लेडी ने किया है, देखिए हेमा जोशी बहुत अच्छा, माला सिंह बहुत अच्छे यार, माला सिंह जी ने स्क्रिप्ट लिखी है, हेमा जोशी ने चित्रांकन किया है, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। जातक कथाओं में से एक और है या मंकी स्टोरीज हैं, उर्वशी इसमें प्रताप जी का चित्रांकन है, प्रताप मलिक जी का चित्रांकन है, उर्वशी शानदार कवर देखिए, बहुत शानदार कवर है उर्वशी। विद्यासागर पौरव और एलेक्जेंडर, खैर सारा मैं कर चुका हूँ अनबॉक्स, आपने देख भी लिया होगा तो रिपीट सा होगा। गोपाल एंड कावर्ड ये पढ़ी भी नहीं है, पढ़ेंगे क्या है ये, कृष्ण जी मज़ा आता है इन स्टोरी में पढ़ने में। और लोकमान्य तिलक सारी की सारी हैं, रिपीट चेक कर लूँगा, वैसे भी इसके बॉक्स में पूरी फिट आती है तो 50 ही होती है उससे कम, तो दिलीप का दिलीप चित्रांकन में, तो मैं एक सेकंड में वो एक कृष्णा वाला हार्ड बाउंड लेके आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि उसमें किस तरीके की कलरिंग है, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये हार्ड बाउंड भी मैं लेके आ गया हूँ, ये भी आपको फ्लिपकार्ट या किसी वेबसाइट पर लिस्टेड मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हार्ड बाउंड बनाया गया है। और अच्छा ये कंटिन्यूएशन है, यानी कि जो आर्ट है इसका फुल वर्जन आपको इसमें देखने को मिलेगा, या इसको इसी तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छा बनाया। 325 में मेंशन है, अगर मैं वेबसाइट देखूंगा तो इसमें 400 मेंशन है, और इसी प्रकार से डिस्काउंट मिलते हैं। ओल्ड स्टॉक होगा और उनको स्टिकर लगाना होगा, वो नहीं लगाया होगा, पर अच्छा मोटा गत्ता है इसका, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हाँ ये रीकलर्ड है देखिए, ये जो कृष्णा है इसमें
ये, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी शायद ऐड हैं, ये देखिए। तो इसमें है कृष्णा, कृष्णा एंड रुक्मणी, कृष्णा एंड जरासंधा, नरकासुरा और सम्यंतक मणि, ये जो है सम्यंतक जन। तो कृष्णा अनंत पेज 50/50 मिलेगा आपको कलर्ड में, सेम है लेकिन, सेम तो है, एक मिनट प्रिंट क्वालिटी में थोड़ा सा कलर सिचुएशन का डिफरेंस है इन दोनों में। कोई एक ऐसा चित्र निकालो जिसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। इससे में भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी, देखिए नहीं इसमें तो नहीं डिफरेंस आ पा रहा है। इसमें थोड़ा लाइट है, हार्ड बाउंड वाला, हार्ड बाउंड वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है प्रिंट इसका। उसके बाद है कृष्णा एंड रुक्मणी, कृष्णा के बाद में वो भी रिकलर्ड है इसमें, आई थिंक इसीलिए रिकलर्ड किया गया होगा। प्रताप मौली जी का जबरदस्त चित्रांकन है कृष्णा रुक्मणी में, बहुत अच्छा। कवर शामिल नहीं किया गया है, देखो ये एक पहले के टाइम का 5-in-1 है, इसको रीप्रिंट अगर किया था तो शायद किया था। सारी ही इसमें जो कथाएं हैं वो सारी रिकलर्ड हैं, चाहे जरासंध वाली है कोई सी भी, तो कृष्णा रुक्मणी भी इसमें शामिल है। ये देखिए अंकल पेज में ये दोनों ही हैं, कृष्णा एंड रुक्मणी। क्लैरिटी इसमें ज़्यादा है हार्ड बाउंड वाले में, शायद ये हार्ड बाउंड वाले से स्कैन करके प्रिंट किए गए होंगे या जो भी हो। तो हार्ड बाउंड वाला जो ये एडिशन अगर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो सारी जो भी इसमें 5 कथाएँ हैं वो सारी की सारी जो है रिकलर्ड हैं, कृष्णा, कृष्णा रुक्मणी, कृष्णा जरासंध, और इसमें से जरासंध वाला भी प्रताप मौली जी का है, कृष्णा रुक्मणी प्रताप मौली जी का है, प्रताप मौली जी का चित्रांकन जरासंध वाले में भी है। ये देखिए ये है जरासंध वाला, जरासंध शायद इस अंकल पेज वाले 50/50 में नहीं है, इसमें भी मौली जी का ज़बरदस्त चित्रांकन है और रिकलिंग से और ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, काफ़ी अच्छा एक ये एक संग्राक्षण सुंदर अच्छा लग रहा है मुझे। फिर ये नरकासुर है, ये भी शायद इस 50/50 में नहीं है, और जो है ये आपका सम्यंतक मणि भी इसमें नहीं है, तो ये अच्छी बात है, चलो ठीक है, एक अलग टाइप का सारे रिपीट नहीं मिल रहा है, तो एक छोटी सी चीज़ मैंने ऐड करी। इसी के साथ मैं इस अनबॉक्सिंग वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।